हेलो गाइस, तो आज हम आए हैं NIT जालंधर। ये है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स और यहाँ पे जो प्रोग्राम था वो हो चुका है। तो गाइस, आपको पता चल ही चुका होगा कि हम क्यों आए हैं। एक्चुअली NIT जालंधर में फेस्ट चल रहे हैं, तो आज सेकंड डे है और हम आए हैं। फर्स्ट डे हम नहीं आ पाए थे। तो गाइस, आज फेस्ट का सेकंड डे है और कल यहाँ पे फीमेल सिंगर आ रहे हैं। आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देख सकते हो कि कौन से सिंगर आए हुए हैं और उन्होंने कौन कौन से गाने गाए, ये भी आप देख सकते हो। तो गाइज, चलिए मैं आपको कैंपस घुमाती हूँ। तो ये लाइब्रेरी की बिल्डिंग थी जो अभी दिखी थी हमें। और गाइज, यहाँ पे ना सभी बच्चों ने यहाँ पे डेकोरेशन करी हुई थी, लेकिन जालंधर में 3 दिन से इतनी हैवी रेन हो रही है कि सारी डेकोरेशन ख़राब हो गई है। देखो, एक एक की वो उनका जो उन्होंने जिससे उन्होंने डेकोरेशन करी थी पेपर क्राफ्ट, तो वो सारा ख़राब हो गया है। तो गाइज, NIT का कैंपस जो है वो है डॉक्टर VR अम्बेडकर के नेम से। और गाइज, ये है अपना सेमिनार हॉल के बाहर का गार्डन जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था, और ये है बिल्डिंग सेमिनार हॉल की। तो गाइज, हर ब्लॉक जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे आपकी इंजीनियरिंग के जितने भी ट्रेड हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, हर ब्लॉक जो है वो अलग अलग है। तो जैसे लाइब्रेरी की बिल्डिंग ब्लॉक जो होगा वो अलग होगा, सेमिनार हॉल अलग है। और गाइज, जो इस बार की फेस्ट की थीम है वो उत्कर्ष नाम से है और ये है 2023 उत्कर्ष। तो गाइज, क्या होता है कि सुबह से कोई ना कोई परफॉर्मेंसेस और एग्जीबिशंस कॉलेज में चले ही रहते हैं। तो हम तो इवनिंग में आए थे, तो जितना कवर हो सकेगा मैं करूँगी। तो यहाँ का तो मैं कैंपस ही इतना ब्यूटीफुल है कि वही मेरे पूरे ब्लॉग में कवर होने वाला है, क्योंकि वीडियो मुझे लग रहा है बहुत लेंथी होने वाली है। क्योंकि गाइज, इवनिंग में फैशन शो है, तो वो भी मैं इसी ब्लॉग में ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हो मॉडलिंग वगैरह होगी लास्ट में। एंड ये हम आए हैं आर्ट एग्जीबिशन में और एग्जीबिशन की थीम है नेत्रा एग्जीबिशन। तो गाइज, ये आप पोस्टर जो है वो बाय कर सकते हो। वन पोस्टर ओनली 30 रुपीज़, और अगर आपको विद फ्रेम चाहिए तो उसका प्राइस है 300 रुपीज़। और गाइज देखिए, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में बहुत अच्छा टैलेंट भी है। तो गाइज, यहाँ पे कुछ फोटोग्राफी है और कुछ पेंटिंग्स हैं, कुछ स्केचेस हैं। तो गाइज, क्या होता है कि इनसे जो मतलब स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, पिक्चर्स और ये फोटोग्राफी जो वो हर इंसान के लिए, जिससे हम अपने थॉट्स, अपने जो हमारे अंदर आर्ट है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। तो गाइज, ये है फोटोग्राफी और ये है स्केचेस, जिसमें कि अपने हॉलीवुड बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ हैं और हनुमान जी, गणेश जी। एंड पेपर क्राफ्ट भी था यहाँ पे, ये सब ऑयल पेंटिंग है। और गाइज, ये मिस्टर वीन जो है वो वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है। इरफान खान जो है वो न्यूज़पेपर की कटिंग से रेडी करे हुए हैं। और ये मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, लेस के रैपर्स हैं उनसे क्रिएट किया गया। अगर आप दूर से देखोगे तो जजमेंट नहीं हो रही थी कि किस चीज़ से बनाए हुए हैं, बट ये वेस्ट जो भी पेपर्स थे उनसे रेडी किए हुए हैं। ये है ऑयल पेंटिंग। तो गाइज, एग्जीबिशंस में आने का एक बेनिफिट होता है कि आपको नॉलेज भी होता है कि कौन कौन सी पेंटिंग। तो गाइज, ऐसे ना ये गोरिल्ला जो है वो दूर से लग रहा था कि स्केचिंग है, लेकिन पास आके देखा तो ये ना जो स्टेपलर्स की पिन होती है ना, पेपर पिन्स, उनसे रेडी करे हुए हैं। तो ये भी पेपर क्राफ्ट है और पेंटिंग, एंड स्टोन पेंटिंग भी है यहाँ पे। तो गाइज, अभी भी स्टूडेंट्स ना कुछ रेडी किए जा रहे थे यहाँ पे, ये देखिए। तो ये अभी भी कुछ रेडी कर रहे हैं। तो गाइज, अब तो हम थोड़ा थक गए थे इसलिए हम जा रहे हैं कैंटीन। तो गाइज, यहाँ पे जो कैंटीन्स हैं, कैंटीन्स तो नहीं अभी हम गए थे, ये शॉप्स थी। तो शॉप्स तो मतलब छोटी छोटी कैंपस में होती हैं, और कैंटीन की जो बिल्डिंग है वो अलग से है, काफ़ी ह्यूज है वो भी। तो वो भी मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूँगी, क्योंकि ये व्लॉग मुझे लग रहा है बहुत लंबा चल रहा है और आप लोग बोर भी हो रहे होंगे।
तो चलिए गाइस चलते हैं अब फैशन शो की तरफ। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी परफॉर्मेंस के लिए रेडी होके जा रहे हैं और ये अनाया ने अपने फ्रेंड्स बना लिए हैं कुछ, जिनके साथ रोड के साइड पे डांस करने स्टार्ट हो गई थी। तो गाइस स्टेज लगा हुआ है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अनाया ने काफ़ी फ्रेंड्स बना लिए हुए थे अपने रास्ते में, क्योंकि आपको पता ही है ये बहुत फ्रेंडली है और एकदम फ्रेंड्स बना लेती है। तो हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड में। तो गाइस क्या होता है कि स्टूडेंट्स ने ही यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई होती है, जैसे ये अपने जो अपना इनर, ये फेस्ट इसीलिए होते हैं कि इनर टैलेंट जो है वो स्टूडेंट्स अपने शो करते हैं। तो गाइस स्टूडेंट्स ने अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, तो ये है कप केक, तो ऐसे ही सबने अपने अपने स्टॉल लगाए थे। जैसे यहाँ पे चाउमीन बन रही है, कुछ लोग बर्गर दे रहे थे। तो गाइज अब हम पहुँच चुके हैं फैशन शो में और ये फैशन शो हो गया है स्टार्ट। ये इंजॉय इट, आई होप यू इंजॉय इट। गाइज डिफरेंट डिफरेंट टीम्स आई हुई हैं डिफरेंट कॉलेजेस से, तो एक टीम तो NIT जलंधर की है और एक कॉलेज का मेरे को पता था क्योंकि उनकी बस लगी हुई थी वहाँ पे, निफ्ट कांगड़ा से आई थी एक टीम। और गाइज लास्ट में प्राइज डिस्ट्रीब्यूट भी हुए हैं, तो विनर टीम्स के नेम तो मुझे पता नहीं है। तो गाइज ये मॉडलिंग जो है वो निफ्ट कांगड़ा की है, हिमाचल से मॉडल आए हुए थे, तो काफ़ी अच्छी थीम लगी इनकी भी। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।